भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीतों की मौत को लेकर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। पीसीसीएफ जसवीर सिंह पर इसको लेकर गाज गिरी है। लगातार चीतों की मौत हो रही थी। असीम श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी बनाए गए हैं। राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया। देखिए लगातार जो चीतों की मौत हो रही थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन चीतों को बाहर से लाया गया था और जिस तरह से इन्हें लाया गया था, बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या यहाँ का वातावरण इन चीतों को भाएगा। हालांकि अब लगातार हो रही चीतों की मौत को लेकर वन विभाग पर, वन मंत्री पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब ठीकरा फूटा है। जसवीर सिंह पर गाज गिरी है। असीम श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी बनाए गए हैं। और चलिए रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का, जो अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है नोएडा से, जहां पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एटीएस ने पूछताछ के लिए सीमा को हिरासत में ले लिया है। सीमा को पाकिस्तान से लगातार धमकी मिल रही थी। सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन को भेजे गए हैं। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई भी पाकिस्तान सैनिक है, पाकिस्तानी सेना में है, और जल्द सीमा की गिरफ्तारी हो सकती है। आईबी ने सीमा के खिलाफ भी इनपुट दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से भी सीमा के खिलाफ इनपुट है। सीमा हैदर जिसकी लव स्टोरी इन दिनों चर्चाओं में है, बार बार इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर तक इस मामले को लेकर इस सवाल उठाए जा रहे थे कि सीमा हैदर ने देश का रुख किया और यहां तक वो जिस तरीके से पहुंची है उसको संदेहास्पद माना जा रहा था। सीमा जो कि खुद संदेह के घेरे में है, और अब एटीएस ने पूछताछ के लिए सीमा को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि सीमा को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनके चाचा आर्मी में सूबेदार हैं, भाई पाकिस्तानी सेना में हैं।